हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है मंडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 10 बज रहे हैं और सुबह 10 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया दिवाली स्पेशल स्वीट रेसिपी जो है मैं शेयर करने वाली हूँ, तो ब्लॉग जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, वो रेसिपी जो है वो मैं नहीं बनाने वाली हूँ आज, वो रेसिपी बनाने वाले हैं कोई स्पेशल पर्सन। हाँ जी, वो रेसिपी बनाने वाले हैं मेरे पापा। मैं जब से मैं YouTube पर आई हूँ ना, मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ, बोलती भी हूँ कि मेरे बच्चों को मेरे पापा के हाथ के बने हुए गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं आप लोगों के साथ गुलाब जामुन की बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे पापा बनाते हैं, मतलब मेरे पापा ही बनाने वाले हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बस। और मेरे पापा जो है आज स्पेशली गुलाब जामुन बनाने के लिए ही इतनी दूर आए हैं, क्योंकि गुड्डू को जो है मेरे पापा के हाथ के गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। एक दो दिन पहले मैंने बात करी थी तो मैंने पापा को कहा कि मैंने कहा गुड्डू आने वाली है और उसको आपके हाथ के गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पापा ने कहा कि मैं गुलाब जामुन बना के भेज देता हूँ। तो फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आप गुलाब जामुन मत भेजो, आप एक दिन टाइम निकाल कर यहाँ आ जाओ और मुझे जो है ना एकदम परफेक्ट, मतलब जैसे आप गुलाब जामुन बनाते हो ना वैसे मुझे बनाना सिखा जाओ अच्छे से, ताकि फिर मैं जो है और गुड्डू को बना कर दे सकूँ। तो आज जो है पापा स्पेशली और गुलाब जामुन बनाने के लिए आए हैं गुड्डू के लिए। और नहीं जी, थोड़ा सा कुछ काम भी था उनको, यहाँ से जो है पापा और मम्मी के लिए गिफ्ट लेने के लिए आए हैं, मतलब दिवाली के लिए मम्मी को पापा को गिफ्ट देना है। तो पापा जो ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं ना वो यहीं से खरीदते हैं, मतलब हमारे जो ज्वेलर है ना उनसे ही खरीदते हैं, तो पापा को वो भी लेनी थी। तो फिर पापा ने कहा कि चलो ठीक है, मैं जो है गुलाब जामुन भी बना जाऊँगा। तो जी बस अभी अभी आए हैं करीबन 11 बजे ट्रेन से, और आते ही मैंने पापा को जूस दे दिया था मौसमी का, और उसके बाद जो है लग गए हैं पापा अपने काम पर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पापा ने चाशनी चढ़ा दी है, तो हम जो है आज बनाने वाले हैं, ये 1.25 किलो मावा लिया है, तो 1.25 किलो मावा के जो है गुलाब जामुन बनाएंगे। तो उसके लिए पापा ने 2 किलो चीनी ली है और 1 किलो लिया है पानी, ठीक है। तो ये नाप रखना है चाशनी बनाने का, और तो चाशनी चढ़ा दी है बनने के लिए। चाशनी बिना तार की बनती है गुलाब जामुन की, तो एक तरफ हल्की हल्की आँच पे जो है चाशनी चढ़ा दी है, और उसके बाद मावा ले लिया। और मावा जो है ना ये फ्रीजर में रखा हुआ मावा था, मतलब हलवाई से मंगवाया है मावा बना बनाया ही, तो ये फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट था ये मावा, तो इसको थोड़ा सा जो है कद्दूकस कर लिया ताकि इसके अंदर कोई भी गांठे ना रहे। मतलब गुलाब जामुन बनाने के लिए जो आपको मावा चाहिए ना वो बिल्कुल मतलब इस तरह का चाहिए कि उसमें कोई भी लम्स ना हो। तो बस मावाई को अच्छे से और कद्दूकस कर लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है, और उसके बाद जो 1.25 किलो मावा था उसके अंदर डालना है आपको मैदा। मैदा कितना डालना है आपको? 125 ग्राम, ठीक है। तो नाप कर लिया है मैदे का और उसमें 125 ग्राम मैदा डाल दिया है। थोड़ी सी दूध में भिगोकर इसमें डाल दी है केसर, केसर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, और थोड़ी सी डाल दी है इलायची। तो उधर पापा तो जो है मावा तैयार कर रहे हैं गुलाब जामुन के लिए, और मैं यहाँ पे चाशनी चेक कर रही थी, तो पापा कह रहे थे देख ले कि कहीं तार तो नहीं बन गया है। तो बिना तार की चाशनी बनानी है, मतलब बिल्कुल पतली चाशनी होती है गुलाब जामुन की। तो जी चाशनी बना के रख दी और यहाँ पर चढ़ा दी अब कढ़ाई, और पापा को तो मतलब प्रैक्टिस है तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गुलाब जामुन बनाने में। तो पापा ने फटाफट जो है कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ पे तलना शुरू कर दिया है। और गुलाब जामुन बनाने के लिए पापा ने बताया था कि मतलब जो घी है वो बिल्कुल कम गर्म होना चाहिए, एकदम बिल्कुल हल्का गर्म घी में जो है गुलाब जामुन डाल लें, वरना गुलाब जामुन जो है नीचे चिपक जाएंगे और वो अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से काले हो जाएंगे। तो बिल्कुल हल्के आँच वाला घी हो ना उसमें गुलाब जामुन डाल देने हैं। और ये देखो बिल्कुल स्लो कर रहे हैं पापा जो है गैस को। आज मैं बिल्कुल अच्छे से जो है सीख लूँगी गुलाब जामुन बनाना, ताकि फिर बाद में जो है ना मैं गुड्डू को हमेशा जो है बना कर दे सकूँ। मैं भी बना लेती हूँ पर मुझसे जो है ना एकदम परफेक्ट नहीं बनते, मतलब जैसे मेरे पापा बनाते हैं ना वैसे नहीं बनते। तो यहाँ पे पापा ने एक बार 4 ही गुलाब जामुन डाले थे इस पर, ताकि देख ले कि बिल्कुल अच्छे से जो है ना फट तो नहीं रहे, खुल तो नहीं रहे हैं। और इसमें पापा ने कोई भी सोडा, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला है, मतलब सिर्फ मैदा डाला है इस गुलाब मतलब मावे में, और गुलाब जामुन जो है बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं। ये देखो कितने मस्त गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए हैं। और चाशनी जो है ना आपकी हल्की गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए चाशनी। तो बिल्कुल हल्की गरम चाशनी में जो है गुलाब जामुन डाल दिए। और मेरे पास जो है ना ये कढ़ाई छोटी थी, मतलब कढ़ाई जो होती है जिसमें गुलाब जामुन हमें फ्राई करने ना वो थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए, मतलब मोटी
मोटे तले की कढ़ाई होनी चाहिए, तो गुलाब जामुन जो आपके अच्छे से बनेंगे, मतलब चिपकेंगे नहीं। तो मेरे पास बाकी जो स्टील की कढ़ाइयाँ थी ना, वो तो काफ़ी पतले पैंदे की थी, और ये जो मोटे पैंदे की कढ़ाई थी वो ये छोटी वाली थी, तो फिर इसी में बना रहे हैं। और इसमें जो है ना, थोड़ा सा गुलाब जामुन को फूलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो फिर और मैंने पापा को कहा मैंने कहा कढ़ाई जो है चेंज कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है, और हमने जो है कढ़ाई जो है चेंज कर ली है, थोड़ी सी बड़ी ले ली है। और हाँ, जो कढ़ाई आपको लेनी है गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए, वो थोड़ी सी मतलब नीचे से, मतलब इस तरह से गोल कढ़ाई होनी चाहिए, मतलब चपटी नहीं होनी चाहिए, उसमें अच्छा सा खासा स्पेस होना चाहिए गुलाब जामुन को घूमने फिरने के लिए। तो ये वाली कढ़ाई जो है फिर ले ली है, क्योंकि गुलाब जामुन काफ़ी सारे बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और बिल्कुल हल्की आँच पे पहले इनको पकाना है। मतलब जब गुलाब जामुन डालने हैं तब घी बिल्कुल कम गर्म होना चाहिए, मतलब गैस से उतार के ही फिर आपको गुलाब जामुन डालने हैं, ठीक है। और फिर आपको बिल्कुल हल्की आँच पे जो है उनको पकाना है, और फिर लास्ट में जो है थोड़ी सी तेज आँच करके उनको, और ऊपर से जो है उनको वो कर लेना है, करारा कर लेना है, ठीक है। तो आपके गुलाब जामुन जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो बाकी मैंने अपनी तरफ से आपको रेसिपी बता दी है, अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ आया हो तो आप उसे कमेंट्स में जो है पूछ लेना, ठीक है। तो गुलाब जामुन बन चुके हैं, और अब जो है पापा कह रहे हैं कि ये जो घी बच गया है ना, इसकी मैं बेसन की बर्फी बना देता हूँ, क्योंकि ये जला हुआ घी है थोड़ा सा, तो ये कोई फिर इतना काम आता नहीं है, रोटी वगैरह में भी काम नहीं आएगा, तो बेसन की बर्फी बना जाता हूँ। तो यहाँ पे पापा ने 3 कटोरी बेसन ले लिया, और उसमें जो है डाल दिया है जो घी, जिसमें हमने गुलाब जामुन फ्राई किए थे ना, वही घी डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा जो है पापा डालेंगे अब गर्म पानी का छींटा दे देंगे, और इसको फिर थोड़ी देर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से अगर बेसन की बर्फी बनाते हैं, तो बेसन की बर्फी जो है बहुत अच्छी बनती है, मतलब बेसन जो जब हम सेकेंगे ना, तो बेसन जलेगा नहीं। तो पापा जो है इस तरह से ये तैयार करके रख रहे हैं, मतलब बेसन की बर्फी बनाने के लिए। और गुलाब जामुन सही में पापा ने बड़े झटपट जो है गुलाब जामुन बना दिए थे, मतलब 11 बजे पापा पहुँचे थे, और 12 बजे करीबन हमने जो है गुलाब जामुन बनाने शुरू किए थे। मतलब पापा के आते ही तो मैंने जो है पापा को जूस दे दिया था, और फिर जो है मैंने सब्जियाँ बना के रख दी थी। मुझे ऐसे था कि फिर जो है रोटी में भी लेट ना हो, पापा जो है जल्दी खाना खा लें, क्योंकि पापा जल्दी खाना खा लेते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते, घर पे भी ये करीबन 12 बजे जो है खाना खा लेते हैं। तो मैंने सब्जियां जो है पहले ही तैयार करके रख दी थी, पापा के आने से पहले ही जो है मैंने दाल चढ़ा दी थी, गोभी की सब्जी बना दी थी, और तो खाना मैंने तैयार करके रख रखा है, मतलब रोटियां सेकनी है मुझे। तो अभी जो है पापा ने मतलब बहुत जल्दी जो है गुलाब जामुन बना के तैयार कर दिए। ये गुलाब जामुन अगर मैं अकेले बनाती तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता, पापा को तो बहुत सालों की प्रैक्टिस है, और पापा मुझे सिखा रहे हैं, और मेरे पापा ने सीखा था मेरे नाना जी से। मेरे नाना जी जो है बहुत अच्छे हलवाई थे, वो बहुत मतलब बढ़िया जो है चीज़ें बनाते थे, उनका काम ही मतलब उनका जो प्रोफेशन था वही हलवाई का ही था, मेरे नाना जी की हलवाई की दुकान थी। तो मेरे नाना जी भी जो है और हमारे घर पे आया करते थे जब हम छोटे थे ना, तो त्यौहार पे आते थे मेरे नाना जी मिठाइयाँ बनाने के लिए, तो मेरे पापा जो है और उनसे सीख लेते थे, तो मेरे पापा ने उनसे सीखा है। और वही है कि अपनी अपनी पसंद होती है, मेरे पापा को बड़ा शौक़ है कुकिंग का, नई नई चीज़ें सीखने का। इस उम्र में भी मेरे पापा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब मेरे पापा की एज होगी अभी 65+ ही होंगे मेरे पापा, और इस उम्र में भी पापा को बहुत शौक़ है मतलब ये सारी चीज़ें बनाने का, और बिल्कुल भी आलस नहीं है। मतलब अगर कोई कह देना कि बना दो, तो मेरे पापा तुरंत जो है बनाना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैंने पापा के लिए खाना लगा दिया था, क्योंकि इनको खाना जल्दी खाने की आदत है, और खाने में बिल्कुल सिंपल सा मैंने बनाया था, क्योंकि पापा ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, दाल बनाई थी, दही और रोटी, और बस लुखी रोटी खाते हैं, मतलब घी चुपड़ी हुई रोटी नहीं खाते मेरे पापा। तो बस पापा को खाना खिला दिया था, और उसके बाद हम लग गए वापस ये बर्फ़ी बनाने में, क्योंकि फिर पापा की ट्रेन भी थी, पापा को जाना भी था, तो फिर मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने कहा कि नहीं पहले बर्फ़ी बना लेते हैं और उसके बाद ही खाएंगे। और पहले बर्फ़ी बनाने का, ये बेसन की बर्फ़ी बनाने का प्लान था नहीं, वरना जो मावा गुलाब जामुन के लिए लेकर आए थे ना वही रख लेते थोड़ा सा, पर पहले प्लान था नहीं। तो फिर पापा ने कहा कि बर्फ़ी जो है मावे के बिना अच्छी नहीं बनेगी, तो मेरे पास दूध रखा था और करीबन 1.25 किलो दूध होगा, हाँ उसको जो है मैंने थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया था, उससे जो है मावा बना लिया बर्फ़ी के लिए। और
जो बेसन पापा ने तैयार करके रखा था ना, उसमें थोड़ा सा घी और डाल के, और पापा ने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना सेका है, जब तक इसकी भीनी भीनी जो अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए बेसन के भुनने की। तो बस यही है कि जो भी मिठाइयाँ हम बनाते हैं ना, वो बस पेशेंस के साथ बनाओ ना, धीरज के साथ। अगर हम जल्दी करेंगे ना तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। पापा कहते भी है कि जल्दी का काम शैतान का होता है और शैतान का काम गड़बड़ हो जाता है। तो आराम से अगर काम करेंगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी। और इधर बुलबुल आ गई है स्कूल से, और इसको पता नहीं था कि आज जो है इसके नाना जी आने वाले हैं, पर इसने बाहर जो है शूज़ देख लिए, तो इसने आते ही मुझसे पूछा अंदर कौन आया है, कौन आया है, और पापा जो है छुप गए थे, तो ये जो है ढूंढ रही थी। तो मतलब नाना दोईती की इसी तरह से जो मस्ती चलती रहती है, पापा को बच्चों के साथ इस तरह से मस्ती करना पसंद है। और ये देखो गुलाब जामुन कितने ज़बरदस्त बने हैं, देख के ही आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा। और हाँ, ये एक दो गुलाब जामुन जो ज़्यादा ब्लैक हो गए ना, वो मेरी सिकाई है, वो मैंने गलती से ज़्यादा सेक दिए, मुझे पता नहीं चला। तो जी बाकी गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल रस से भरे हुए ये गुलाब जामुन बने हैं, और बर्फ़ी में तो अभी टाइम लगेगा, मतलब वो थाली में तो लगा दी है पर उसको कटिंग करने में टाइम लगेगा, कल कटिंग होगी, क्योंकि पापा ने बर्फ़ी की जो चाशनी है ना उसको थोड़ा सा ढीला रखा है। पापा कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा टाइट चाशनी ले लेंगे ना तो बर्फ़ी जो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी बेसन की, और क्योंकि अभी दिवाली में टाइम है तो दिवाली तक तो बिल्कुल सूख जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा ढीली चाशनी रखी है। पापा ने कहा इसकी कटिंग जो है कल करनी है, तो बर्फ़ी मैं आप लोगों को कल कट करके दिखाऊंगी। बाकी मैं आप लोगों को गुलाब जामुन दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा स्पॉन्जी बने हैं, बिल्कुल एकदम रस से भर गए हैं। और यहाँ मैंने पापा को भी टेस्ट कराया था, हालांकि पापा ज़्यादा मीठा खाते नहीं है क्योंकि पापा को शुगर है, तो उन्होंने तो सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट किया था। और इधर बुलबुल आते ही जो है खुश हो गई है गुलाब जामुन देख के, तो उसने तो जो है अपनी प्लेट ले ली है। और हाँ, मेरे लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया है, क्योंकि मेरे घर में जो भी बनता है लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले भोग लगता है। तो जी दिवाली आ रही है, आप लोग भी अपने घर पे गुलाब जामुन बना सकते हो। मैंने बहुत ही इजी सी और बढ़िया सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और ये रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है। मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर कह रही थी कि दीदी आपके पापा जो गुलाब जामुन बनाते हैं ना उसकी रेसिपी शेयर करो, तो जी मैंने शेयर कर दी। और अभी टाइम हो गया शाम के करीबन 5 बजे, मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि पापा अभी अभी गए हैं, और उसके बाद जो है मैंने कपड़े सुखाए, क्योंकि सुबह कपड़े धो तो लिए थे पर सुखाने के लिए टाइम नहीं मिला था। और इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। टाटा।